हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रेक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह रैबिट वाला पैटर्न किस तरह से बना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। इस पैटर्न का यूज हम डोरमेट, टेबल मैट, इवन की बेबी स्वेटर, जैकेट्स में भी कर सकते हैं। तो आइए इसे कैसे बनाया गया है उसके बारे में मैं बताऊँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यह 2 ply ऊन का इस्तेमाल किया है। आप 4 ply से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रीम से बनाऊंगी। क्रीम से बनाने के लिए यहाँ देखेंगे, ये इसे ऐसे लेना है और इस तरह का राउंड करते हुए हमें इस तरह से निकालना है और ऐसे इसको इस तरह से दाब के रखना है। और यहाँ पे 1 2 3 फंदा करते हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यह जो फंदा है, यानी कि यह धागे जिसे मैंने शुरू किया था, इसे हमें इस तरह से खींच लेना है। इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ ये बहुत टाइट सा हो जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा। अब हमने जो 3 चैन बनाए थे इस पे हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है और यह राउंड का शेप तैयार हो जाएगा। अब इस पे 1 2 3 अगेन सेम स्पेस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट चैन पे हमें भी डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 हुआ, फिर सेम स्पेस पे 2, यानी प्रत्येक चैन पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1 2 इस तरह से 12 के चैन के ऊपर हमें 24 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं। सब पे डबल डबल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा टोटल 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट होएगा। यहाँ पे सेम स्पेस पे बनाना है। इस तरह से हमें राउंड का शेप बना लेना है। रैबिट का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे इस तरह से हमें स्लिप कर लेना है। इस तरह से यह एक कंप्लीट हो गया। अब इसे यहाँ कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया। इस तरह ही सेम हमें और एक बनाने हैं। ये देखिए, एक कंप्लीट हो गया। सेम हमें इस तरह ही बनाने हैं। अब मैं यहाँ आगे बताऊंगी कि यह इस पे हमें इस तरह से स्लिप करना है। स्लिप करने के बाद
ये जो टिकिया है ना, इस टिकिया के इस तरह से हमें इस सेंटर पे इस तरह से देंगे और हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से अटैच किया। अब सिंगल क्रोशिया से अटैच होने के बाद ये सीधे राउंड है, ये सीधे राउंड है, प्रत्येक हॉल पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 7, 8, 9 और 10 तीन तक बनाने के बाद हमें इस तरह से यहाँ अटैच करने हैं। तो पहले मैं इसे बता दूँ कि इसे कैसे बनाया गया है। इसे हमें 9 चैन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन चैन लेने के बाद हमें इस पे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं एक, और फिर हाफ सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट पे बनाने हैं। इस तरह से हाफ बनाएंगे, नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया यानी प्रत्येक चैन पे हमें डबल क्रोशिया आप बनाने हैं, 4 डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया 6 डबल क्रोशिया। अब इस 6 पे हमें अगेन सेम स्पेस पे डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2, 3, 4 एंड 5 देखेंगे सेम स्पेस पे 5 डबल क्रोशिया ऐड किए। अब इस स्पेस पे यहाँ पे इस पे हमें प्रत्येक अब चैन पे हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2, 3, 4, 5, 6 बनाया। अब यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ये हाफ बनाया। अब ये नेक्स्ट हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, और इस तरह ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे एक चैन लेने के बाद इसे कट कर लेंगे इस तरह से, या इस तरह का हमें 2 बनाने हैं यानी 2 बनाने हैं, ये और ये जो तैयार हो गया। अब मैं आगे बताऊंगी कि यहाँ पे ये कैसे सेट करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर काउंट करूंगी, यहाँ पे यहाँ ध्यान देंगे कि इसे ज्वाइंट करने पर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 इस पे ज्वाइंट करने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ जो यह जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे अटैच करना है। सिंगल क्रोशिया से अटैच किया, इस पे ये सीधे रखना है, ये ऐसे रखना है,
फोकस रखना है, इस पे हमें करना है, ये वाला पे ध्यान से देखेंगे। और इससे हमें सिंगल क्रॉस से ऐसे अटैच करेंगे, और ये देखिए ये इधर हो गया, ये सामने का भाग हो गया। अब इस पे हमें ये प्रत्येक चैन पे हमें सिंगल क्रॉस से बनाने हैं, प्रत्येक रो पे बनाएंगे इस तरह से, आप 4-ply वूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप 4 नंबर क्रोशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 7 नंबर क्रोशिया इस्तेमाल किया है और 2-ply वूल है। अब देखिए यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया से बनाने हैं, और इस 3 पे यानी कि 1, 2, 3 इस पे डबल सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। कैसे मैं बना के बताती हूँ, ये देखिए 1, अगेन सेम स्पेस पे 2, नेक्स्ट पे भी 1, अगेन 2, इस तरह से 3 तक बनाएंगे, यानी इस रो इस चैन तक 1, 2, ये इस तरह। अब फिर सिंगल क्रोशिया से हमें बनाना है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ इस तरह से 9, 9, और यहाँ ध्यान देंगे यहाँ जो है ये बीच वाले सेंटर पर हमें इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे यह अटैच है तो इसके बगल वाले फंदे पे ये इस पे हमें इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए एक अटैच हो गया। अब यहाँ पे हमें दूसरा एक अटैच हो गया, अब दूसरा मैं लगाऊंगी ये वाला, इसे भी मैं वैसे ही जैसे कि पहला वाला को सेट किया था, यानी कि इसके ये सीधा रखते हुए इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे और सेम प्रोसेस दोहराएंगे, यानी कि प्रत्येक चैन पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर यहाँ पे यानी 10 पे जब आएंगे डबल सिंगल क्रोशिया बनाना, 1 और ये 2, यहाँ देखेंगे ध्यान से इस हॉल पे हमने 2 बनाया, नेक्स्ट हॉल पे भी हमें 2 बनाने हैं, यानी ये सेंटर पे भी 1, 2 बनाया, नेक्स्ट पे भी 1, 2 बनाया। अब बाकी इस पे हमें सिंगल क्रोशिया से बना लेने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेंटर पे यहाँ पर 8 बनाने के बाद ये देखिए सीधा पोर्शन ऐसे रखना है, और फिर हमें यहाँ अटैच करना है। अटैच करने के लिए यहाँ देखेंगे, अगेन एक बार देखेंगे इसके ठीक जस्ट बाद वाले, बाद मीन्स जिस पे बने हैं उसके ठीक बगल वाले पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा पिन्ना जो है अटैच हो गया है इस तरह से।
अब हमें ये किनारे जो है टोटल बना लेने हैं सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से। इस तरह अटैच होने के बाद इसे हमें कवर करना है। इस तरह से प्रत्येक चैन पे हमें सिंगल क्रोशिया से बना लेने हैं, पूरे कर लेने हैं। मैं पूरे बना लेती हूँ, यानी इधर भी हमें 10 मिलेंगे और 10 तक हमें बनाने हैं। ये 10 कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ देखेंगे, जस्ट इसके बगल वाले स्पेस पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और फिर इसे भी पूरे राउंड कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोशिया से ही। इस तरह से इसे मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, यह कंप्लीट हो गया है। तो यह लास्ट यहाँ पे हमें इस तरह से स्विच कर लेना है। अब इसे कट कर लेना है। कट करके यहाँ देखेंगे, यह कंप्लीट हो गया। इसे कट कर लेंगे और इसे बैक साइड पे हमें यहाँ से इस तरह से इसे बाइंड कर देंगे ताकि यह खुले ना। इस तरह से बाइंड कर देंगे। यह हमारा रैबिट का यह आउटलुक तैयार हो गया है ईयर पिन्ना के साथ। अब मैं आगे बताऊंगी कि आगे कैसे बनाने हैं। आगे बताने के लिए ये देखिए, इस तरह से हमें ये बनाने हैं। इसे कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में मैं बताऊंगी, इसे कैसे बनाया गया है। तो आइए, इसे बनाने के लिए रेड उल लगाएंगे और रेड उल से स्टार्ट करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग इस पिन्ना से करना है, पिन्ना के बैक साइड से। इधर से बैक पे हम देखेंगे, ये ज्वाइंट है ना, यहाँ पे ये ज्वाइंट, यहाँ इस तरह से ये ज्वाइंट से हमें रेड उल लगाने हैं। यहाँ मैं इस तरह रेड उल लगाऊंगी और इस पे इस तरह से अटैच किया और इस पे 1, 2, 3 चैन लगाएंगे। 3 चैन लगाने के बाद फिर हमें ये देखिए, ये जॉइंट वाले हम पार्ट ये हैं पोर्शन, यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ इस पे हमें फिर सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। अगेन 1, 2, 3 चैन लेने हैं और फिर ये पिन्ना का दूसरा भाग है, यहाँ पे जॉइंट है, इस जॉइंट पे हमें ऐसे ऐसे इस ज्वाइंट पे हमें इस तरह से उठाने हैं अंदर से। ये मैंने बनाया, यहाँ आप देख सकते हैं 1 और 2 कंप्लीट हुआ। अब इस पे 1, 2, 3 बनाने के बाद यहाँ ध्यान देंगे कि 1, 2, 3 पर डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। 1, 1, 2, 3 पे यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के साथ अब यहाँ पे हमें फिर 1, 2, 3 चैन लेंगे और फिर बगल वाले स्पेस पे हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार फिर से देखेंगे, पीछे हमने एक पिन्ना से स्टार्ट किया, उस पर सिंगल क्रोशिया से 1, 2, नेक्स्ट 3 जो स्टार्ट किया 3 चैन के बाद हमें इस तरह से बनाया और फिर एक के बाद में डबल क्रोशिया बनाने पड़े।
अब यहाँ पे फिर अगेन 1 2 3 चल लेंगे और 3 1 2 1 2 3 थ्री स्पेस पे हमें ये सिंगल क्रोशिया लगाने हैं। यहाँ हम देखेंगे ये सिंगल क्रोशिया बनाया, अगेन 1 2 3 और फिर 1 2 3 के बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाया और फिर 1 2 3 के बाद अब इस इधर आ जाएंगे, यानी इस पे आएंगे। इस पार्ट पे आने पर 1 2 3 पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें फिर 3 चैन लेने, 1 2 3 चैन लेंगे और फिर 1 2 3 के बाद सिंगल क्रोशिया अटैच करना है। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया अटैच किया, 1 2 3 लेने हैं, फिर डबल क्रोशिया 1 2 3 के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन 1 2 3 फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार जस्ट उसके बगल वाले चैन पर ये कॉर्नर बनेगा, अगेन 1 2 3 3 के साथ हमें फिर 1 2 3 इस बीच पे हमें सिंगल क्रोशिया अटैच करना है। इस तरह से इसमें सिंगल नहीं आएंगे, इसमें डबल आएंगे, यहाँ मैं डबल अटैच करूँगी, ये डबल। अब अगेन फिर 1 2 3 3 लेने के बाद 1 1 2 3 3 स्पेस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे 3, फिर इस बार एक जस्ट उसके बगल पे जो हमें कॉर्नर बनाने हैं, ये कॉर्नर के लिए बन गया मेरा। यहाँ देखेंगे यह और ये दोनों कॉर्नर बनेंगे और यह एक यहाँ पे ये कॉर्नर बनेगा। अब इधर बनाने हैं, इधर का सेम प्रोसेस दोहराते हुए बनाना है। कैसे? 1 2 3 3 बनाया, 3 बनाने के बाद फिर 1 2 3 यह सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। इस तरह से यह जो है सिंगल क्रोशिया से अटैच किया, अगेन फिर सेम प्रोसेस 1 इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया से अटैच किया, अब फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3 यहाँ अटैच करेंगे और यह इस रो का कंप्लीट हो गया 1 2 3। अब स्किप करेंगे यहाँ पे, फिर 1 2 3 1 2 3 सिंगल क्रोशिया से 1 2 3 1 2 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 और फिर इस पे 1 2 3 सेम स्पेस पे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ हमें ज्वाइंट करने हैं तो 1 2 3 3 के साथ हम यहाँ पे इस तरह से जो हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इस हॉल पे यानी ये वाले हॉल पे 4 1 ये है तो 3 बनाऊंगी, 1 2 3 और इससे 4 डबल क्रोशिया बना। नेक्स्ट हॉल पे भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यानी कि अब प्रत्येक हॉल पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और मैं ज़रा यहाँ बताऊँगी आगे, 1 2 3 और ये 4 बने। अब यहाँ देखेंगे ये जो कॉर्नर है इसे मैं एक बार इस तरह से दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इसके ये और ये कॉर्नर है,
ये बॉडी हो गया और यहाँ पे ये आएंगे इसके कॉर्नर। तो इस कॉर्नर पे यानी कि यहाँ पे यहाँ देखेंगे इस कॉर्नर पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 डबल क्रोशिया फर्स्ट में बनाएंगे और 1 2 चैन बनाएंगे। अगेन इस पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ जैसे 4 मैंने बनाया था तो इस पे भी हमें 4 ही बनाने हैं। ये 4 बनाया, अगेन 1 2 3 चैन, फिर सेम स्पेस पे ही हमें 4 बनाने हैं क्योंकि यह कॉर्नर है। 1 2 3 4 अब नेक्स्ट पे 1 2 3 बनाने के बाद अब इस 4 के लिए हमें इस पे बनाएंगे, यानी प्रत्येक हॉल का जो 4 होगा वो लास्ट पे 3 हॉल में बनाएंगे डबल क्रोशिया और बाकी यानी लास्ट वाले को डबल क्रोशिया के साथ ही अटैच करेंगे। जैसे कि मैं एक बार और फिर बता देना चाहूँगी, 2 बने 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और फिर इस पे इस तरह से हमें बनाना है ये 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरे करने हैं। इस ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे 4 का बनेगा। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। एक बार थोड़ा सा एक रो देख लें, जैसे कि ये देखिए 2 3 डबल क्रोशिया के बाद इस स्पेस पे 4, नेक्स्ट 1 2 3 और फिर इस स्पेस पे 4, नेक्स्ट इस पे 1 2 3 नेक्स्ट के लिए 4। अब ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर पे डबल 4 बनाने हैं, यानी कि 2 3 4 और 1 2 3 चैन, अगेन सेम स्पेस पे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 and 4 4 बनाया। नेक्स्ट पे 1 2 3 और इसको लेते हुए 4, 1 2 3 और फिर 4। अब इस हॉल पे यानी कि कॉर्नर पे 4 2 3 4 1 2 3 चैन, अगेन सेम स्पेस पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 and 4 इसे देखेंगे। इस तरह से क्या है कि यह हमारा एक कॉर्नर दोनों और चारों, यह इस तरह से कॉर्नर हमारा तैयार हो जाएगा। और मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। इस तरह से ये कॉर्नर पे हमें देखेंगे यह सेम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे 1 2 के बाद इस पे हमें स्किप कर लेना है, इस तरह से हमें यहाँ स्किप करते हुए कंप्लीट हुआ। अगेन यहाँ पे 1 2 3 और प्रत्येक चैन पे हमें बनाने हैं, 1 जितने सारे हॉल हैं यानी चैन हैं उस पे हमें डबल क्रोशिया से अटैच करते आएंगे। सिर्फ कॉर्नर पे प्रोसेस थोड़े से बदलने हैं, ये देखिए
ये टोटल चैन के ऊपर हमें डबल क्रॉस या बना लेने हैं। ये मैंने बना लिया। अब इस हॉल पे यानी ये कॉर्नर देखेंगे, ये कॉर्नर वाला जो हॉल है इस पे अब हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू। अब फोर नहीं बनाने हैं, टू डबल क्रोशिया और वन टू चैन, अगेन वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, और फिर प्रत्येक हॉल पे यानी चैन पे हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। ये इस तरह से अब सिर्फ प्रत्येक हॉल पे हमें टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया करते हुए हमें पूरे यह जो है रेक्टेंगल फॉर्म में को बनाना है। कितने रो बनाना है यहाँ हम देखेंगे, इसे हमें इससे काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर, फोर रो कंप्लीट करना है। फोर रो कंप्लीट होने के बाद यह इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इस पे आइज और माउथ कैसे बना है उसके बारे में बताऊंगी। इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेने हैं और आइज माउथ के बारे में जाने। आइज बनाने से पहले मैं ये बो बनाना बताऊंगी। ये बो इस तरह से यहाँ लगाने हैं। इसे कैसे बनाया गया है उसके बारे में पहले जान लें। इसे बनाने के लिए इसे इस तरह से ऐसे लेने हैं और इस पे हमें थ्री चैन बनाने हैं, वन टू थ्री। थ्री चैन बनाने के बाद इसी स्पेस पे हमें तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी थ्री, वन टू थ्री। थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर अगेन वन टू थ्री चैन बनाने हैं। थ्री चैन के साथ इस पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशिया से अटैच करने के बाद अगेन एक चैन बना लेंगे, सॉरी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर लेती हूँ। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद वन टू थ्री चैन बनाएंगे, फिर सेम स्पेस पे वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया। थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर वन टू थ्री चैन, थ्री चैन के साथ इस स्पेस पे इस तरह से बनाएंगे और इसे खींच देंगे। ये देखिए इसे खींचने के साथ यह इस तरह का बन जाएगा। अब इसे हमें कट कर लेना है, इस तरह से कट कर लूँगी। और कट करने के बाद यहाँ देखेंगे इसे थोड़ा सा टाइट कर देना है इस तरह से, और फिर इसे हमें अंदर की ओर करते हुए इस तरह से लपेटेंगे, वन एंड टू। सेकंड राउंड लपेटने के बाद फिर आएंगे बैक साइड। इस बैक साइड पे इसकी सहायता से यानी क्रोशिया की सहायता से हमें इसे गांठ लगाना है, यानी कि इसे इस तरह से हम गांठ लगाएंगे। गांठ लगे, यह हमारा छोटा सा बो तैयार हो गया है। अगेन एक बार इधर से बैक साइड पे हमें इस तरह से ऐसे निकाल लेना है और इसे यहाँ कट कर लेना है।
अदरक हो गया। अब इस पे हमें क्रीम कलर से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा रखेंगे इसको क्योंकि हमें पीछे ज्वाइंट करने हैं। और यह 1 2 3 4 5 एक फाइबर लपेटा और इसे कट किया। कट करने के साथ इसे हमें पीछे बाइंड करना है। इस तरह से टाइट से बाइंड कर देना है। अगेन अगेन और एक बाइंड करेंगे। बाइंड हो गया और फिर इसे जो है इस तरह से रखेंगे और यह सेंटर पे इसको बैक साइड से ये बैक वाले भाग से ये धागे जो हैं इसे हमें निकाल लेना है। ऐसे इस तरह से फंसाते हुए निकाल लेंगे और पहले यहाँ सेट कर लेंगे। ऐसे इस तरह का सेट करते हुए बैक साइड से इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें एक बार इसके बीच से इस तरह से जैसे आपको सुविधा हो सुविधा के अनुसार आप इसे इस तरह से ज्वाइंट कर दें ताकि ये खुले नहीं और ये टाइट हो। ये देखिए वो तैयार हो गया। अब यहाँ पे आईज आईज आप ऊन से भी लगा सकते हैं या मोती से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह के आईज बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें या गोल मोती का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ के लिए यह सेंटर है, सेंटर पे आप यहाँ पे माउथ लगा देने हैं और आइस को थोड़ा इस सेंटर के ठीक ऊपर इस तरह से यहाँ पे इसे मैं पहले सेट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखिए यह रैबिट का पैटर्न तैयार हो गया है। अब इस तरह का हमें इसका पिन्ना जो है इसे भी आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। इस तरह का रेक्टेंगल बनाकर हमें ज्वाइंट करके डोरमेट या फिर टेबल क्लॉथ या जैकेट बेबी स्वेटर तैयार कर सकते हैं।